स्टिंगिंग नेटल लीव, जिसको बिच्छू बूटी के नाम से भी जाना जाता है, ये औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है, जिसका प्रयोग बॉडी में होने वाली कई समस्याओं को दूर करता है। नेटल लीफ को ओर्टिका डियो का नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग दवा के रूप में होता है और ये पौधा अक्सर नमी वाली जगह पर होता है। ये एक जंगली पौधा होता है जिसको छूने से हाथ में जलन और झंझनाहट हो सकती है, लेकिन इसके फायदे आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन इंडिया में, जहां हम हमेशा आपको किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम एक जरूरी विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपसे स्टिंगिंग नेटल लीफ के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि स्टिंगिंग नेटल लीफ किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करती है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। स्टिंगिंग नेटल लीफ यानी कि बिच्छू बूटी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। स्टिंगिंग नेटल लीफ में 70% से भी अधिक पानी की मात्रा होती है, जो आपकी बॉडी में न सिर्फ पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि इसके सेवन से आपकी किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है। इससे आपकी बॉडी से सही मात्रा में क्रिएटिनिन बाहर निकल जाता है और आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। इसका सेवन किडनी के मरीज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आपकी डैमेज किडनी के काम में दबाव डाल सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदे। स्टिंगिंग नेटल लीफ का पहला फायदा है कि ये आपके हार्ट और लिवर दोनों को स्वस्थ रखती है। स्टिंगिंग नेटल लीफ का सेवन आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या से बचाता है, जो कि हार्ट की आर्टरी से जुड़ी होती है। ये समस्या आपको हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक या हार्ट स्ट्रोक जैसी दिक्कत दे सकती है। इसके साथ ही स्टिंगिंग नेटल लीफ में हेपेटोप्रोटेक्टिव के गुण मौजूद होते हैं, जो आपके लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसका अगला फायदा है कि ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करती है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाली समस्या होती है, जो बहुत ही गंभीर होती है। इसको रोकने के लिए स्टिंगिंग नेटल लीफ काफी फायदेमंद मानी गई है। ये शरीर में प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने नहीं देती, जिससे आप इस बीमारी से दूर रहते हैं। स्टिंगिंग नेटल लीफ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, वो किसी जानकार की देखरेख में स्टिंगिंग नेटल लीफ का सेवन कर सकते हैं। स्टिंगिंग नेटल लीफ में एंटी हाइपरटेंसिव के गुण पाए जाते हैं, जो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से दूर रखते हैं। आपको बता दें कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनकी किडनी में खराबी की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा स्टिंगिंग नेटल लीफ आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम भी करती है, जिससे आप कम बीमार पड़ते हैं। इसके साथ चोट या कोई घाव होने पर स्टिंगिंग नेटल लीफ को प्रयोग करें, तो इससे आपका घाव जल्दी भर जाता है। आपको चोट में संक्रमण का खतरा भी कम होता है। इसका सेवन आपको बेहतर नींद और ऊर्जा देने में सहायक होता है, क्योंकि नींद ना आना आपकी बॉडी में कई और दिक्कतों को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, अनिद्रा रोग आपकी किडनी में खराबी का संकेत होता है। जिन्हें अक्सर जोड़ों में दर्द बना रहता है, उनके लिए स्टिंगिंग नेटल लीफ काफी फायदेमंद मानी गई है। तो ये हैं स्टिंगिंग नेटल लीफ के कुछ फायदे। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। स्टिंगिंग नेटल लीफ का सेवन आपके हाई बीपी को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर आप हाई बीपी की दवा खा रहे हैं, तो इसका सेवन ना करें। गर्भवती महिला स्टिंगिंग नेटल लीफ का सेवन बिल्कुल ना करें, ये उनके और उनके शिशु के लिए घातक हो सकता है। इसको छूने से हाथ में खुजली जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए इसको छूने से पहले हाथों में दस्तानों का प्रयोग करें। तो ये हैं स्टिंगिंग नेटल लीफ के कुछ नुकसान, जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो सर, अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम शशिकांत झा हुआ। कहाँ से आए हैं सर? बिहार पूर्णिया से। बिहार पूर्णिया से, ठीक है। कर्मा आयुर्वेदा आने से पहले आपको क्या क्या चेंज, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 150 था, और शुगर में प्रोटीन आ रहा था जी, और प्लस 2 था जी, और पेशाब में झाग आ रहा था, ठीक है। जो अभी जो दवाई खाने के बाद वह क्रिएटिनिन होगा 1.22, ये 10 दिन में शुगर में झाग आना कम हो गया, और जो प्रोटीन था जी नेगेटिव हो गया, ठीक है। पहले कितना बताया आपने? 1.50, ठीक है। अभी है 1.22 जी, और प्रोटीन कितना बता रहे हैं आप? प्लस टू, और अब नेगेटिव आ गया है आपका? अभी नेगेटिव आ गया। 15 दिन आपने मेडिसिन खाई है? 15 दिन, ठीक है। आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाएंगे एक बारी? रिपोर्ट्स ये है, अपनी तरफ कर, इधर कैमरे की तरफ करके दिखाइएगा, देख सकते हैं। पहले 2+ की रेंज में इनका प्रोटीन जा रहा था, और अब नेगेटिव हो गया 15 डेज मेडिसिंस खाने के बाद। और क्या क्या फिजिकली आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं? फिजिकली चेंज आ रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस है, और सब जो है जैसे पहले होता था बार बार पेशाब आता था, हाँ जी, तो बंद हो गया है जी। रात में नींद नहीं होती थी, तो आती है, ठीक है, साउंड स्लीप आता है जी। पहले रात भर सो नहीं सकते थे, हाँ जी, लेकिन अब जो है ये मेडिसिन मैंने ये खाने के बाद जी, यहाँ का दवाई खाने के बाद, हाँ जी, रात में नींद आती है जी, पेशाब कम होना शुरू हो गया। पहले रात भर हमको रात में करीब 10 मैंने आधा घंटा घंटा के बाद पेशाब आना पड़ता था। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।